हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। गाइस, मैं रोज़ आपके लिए कोई ना कोई न्यूज़ अपडेट लेकर आती रहती हूँ और हर वीडियो में कुछ ना कुछ एजुकेशन रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। जैसे कि कभी आपके JNU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, कभी उसके सिलेबस के बारे में, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMU यूनिवर्सिटी के BA LLB के सिलेबस के बारे में। तो AMU को तो जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर BA LLB की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और ये टॉप 5 रैंकिंग में भी आता है। LLB अपने मतलब पढ़ाई को लेकर BA LLB यहाँ का कोर्स है, काफ़ी फेमस कोर्स है AMU का। तो अगर आप इच्छुक हैं यहाँ पढ़ना और BA LLB से पढ़ना चाहते हैं, तो 12th के बाद आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट या फिर मैथ, कोई से भी स्ट्रीम से हो, मीन्स कोई से भी ग्रुप से हो, आप BA LLB का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन है आपके, इंग्लिश, करेंट अफेयर एंड GK, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। तो इंग्लिश में आप पूछेंगे, मैम क्या क्या आते हैं, तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश है, ग्रामर है, बेसिकली इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि इंग्लिश से आपके क्या क्या आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और टेंस आ जाएंगे, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी क्वेश्चन आपके आते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं करंट अफेयर एंड GK की। तो करंट अफेयर्स में क्या आपको ध्यान रखना है कि जो लीगल इश्यूज हैं, जो चल रहे हैं, तो उसी पर से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो डेली आप अपडेट रहिए, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी तैयार होंगे। साथ ही मेरे चैनल पर करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, मैं ही करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। GK के लिए आप जो है लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें GK के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से आपका ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों सेक्शन तैयार हो जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, तो रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, ऐसे तो नहीं आते हैं। तो प्रैक्टिस करने से आपका रीजनिंग भी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी के भी नाम से जानते हैं। रीजनिंग की अगर आपके पास कोई बुक है तो उस पर प्रैक्टिस करिए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि करंट अफेयर से 25 पा सकते हैं, रीजनिंग से 35 पा सकते हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको जो है इस तरह से तैयार करना है, अगर आप LLB में पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं आपके, 100 गाइस, ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ, आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। कितना मार्क्स रहता है, 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। समय आपके पास 2 घंटे रहते हैं, पर्याप्त टाइम है आपके इस करने के लिए, ये जो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, ऑफलाइन मोड में रहता है ये आपका एग्ज़ाम, तो पर्याप्त टाइम है। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, और लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहते हैं, आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है आपको, तब आप यह जो है अच्छे से कर लेंगे। LLB का कोर्स बहुत ही अच्छा है, ये कोर्स है, तो आप प्लीज़ इसके लिए अच्छे से तैयारी करें, तो आप ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑल डिटेल्स तो इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। आई होप कि यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं रोज़ आपके लिए कोई ना कोई न्यू अपडेट लेकर आती रहती हूँ, तो मैं आऊँगी कोई ना कोई नई अदर इन्फॉर्मेशन लेके आप सभी के लिए। आपको किसी और वीडियो, मतलब जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए।